17वीं नेशनल एरोबिक्स प्रतियोगिता में मुरादाबाद के प्रतिभागियों ने झंडे गाड़े। 17वीं नेशनल एरोबिक्स प्रतियोगिता में मुरादाबाद के आए सबसे अधिक मेडल। जिला सचिव रिम्पी सिंह ने बताया कि इस प्रकार की दिलचस्प प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में पहली बार बनारस में आयोजित की गई। यह आयोजन बनारस में विगत 13 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य हरिबंधु इंटरनेशनल स्कूल में करवाया गया। उत्तरी भारत में ठंड के प्रचंड प्रकोप के बावजूद इस प्रतियोगिता में बच्चों का उत्साह देखने योग्य था। पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 50 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। साथ ही पूरे भारत से लगभग 300 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें मुरादाबाद के बच्चों ने 22 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल लिया। अंडर 17 में फिटनेस एरोबिक्स ग्रुप में मनसा टंडन, ऋषिका सचदेवा, सिमरन कौर, श्रुति जैन, प्रख्या, अलीशा शमशी शहर के PMS स्कूल की छात्राएं हैं। अंडर 17 में स्पोर्ट्स एरोबिक्स ग्रुप में DPS से गर्वित ने सिल्वर और रोहन ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। सीनियर ओपन ग्रुप में फिटनेस एरोबिक्स मनसा टंडन, ऋषिका सचदेवा, सिमरन कौर, श्रुति जैन, प्रख्या, अलीशा शमशी, गर्वित, रोहन, पारस, सुशाना, प्रतिभा, अर्ना और कानपुर से सौम्या ने गोल्ड मेडल जीता। अंडर 17 ड्यूअल स्पोर्ट्स एरोबिक्स ग्रुप में PMS से श्रुति और मनसा ने गोल्ड मेडल जीता। अंडर 17 ट्राई स्पोर्ट्स एरोबिक्स ग्रुप में PMS से ऋषिका, प्रख्या, सिमरन ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अंडर 14 में स्पोर्ट्स एरोबिक्स ग्रुप में सेंट मिराज से पारस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सभी विजेता अब आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए दुबई जाने के लिए चुने जा चुके हैं। इस समाचार से पूरा मुरादाबाद शहर और बच्चों के अभिभावक बहुत अधिक उत्साहित एवं प्रसन्न हैं। शहर के सभी विजेता खिलाड़ियों को DPS की उप प्रधानाचार्य ने बधाई देते हुए उनका उत्साह वर्धन किया। मुरादाबाद के मेयर श्री विनोद अग्रवाल जी एवं उनकी बहू श्रीमती प्रिया अग्रवाल जी ने सभी बच्चों का पूरे जोश के साथ शहर पहुंचते ही स्टेशन पर बाजे गाजे के साथ माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। साथ ही ओम संस के श्री महेश अग्रवाल जी ने सभी बच्चों को नगद धनराशि देकर उनका उत्साह वर्धन किया। इस भव्य विजय के लिए प्रदेश के एरोबिक्स एवं फिटनेस के अध्यक्ष श्री आंदेश्वर पांडे जी, सचिव श्री ML साहू जी और उनकी मेंबर और जिला सचिव श्रीमती रिम्पी सिंह ने बहुत कम समय में बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग और प्रतियोगिता का इतना अच्छा आयोजन करवाकर साबित कर दिया कि हमारे शहर और प्रदेश और देश को ऐसे ही श्रेष्ठ व कर्मठ गुरुओं की आवश्यकता है, जो देश के लिए सभी बच्चों को उनके रुचि के अनुसार सही मार्गदर्शन दे सके। इसके साथ साथ मुरादाबाद शहर के सभी कोच सचिन नैनवाल, मनीष कुमार, मनी शर्मा, अमित भंडारी, संध्या गुप्ता और योग के जिला सचिव महेंद्र जी ने सभी विजेता बच्चों को बधाई दी। बताती हैं आप बच्चों को मार्गदर्शन ये देना चाहते हैं कि इस तरह की कॉम्पिटिशन में वो पार्टिसिपेट करें और हम खेल के द्वारा भी हम अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे और उनके पेरेंट्स उनका साथ दें और लगातार इन सब चीजों में प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया। बेटे हैं अक्षर तो शब्द है बेटियाँ, बेटियाँ हैं धार तो आधार है बेटियाँ। बड़े ही गौरव का क्षण है, गौरव की बात है कि मुरादाबाद से 9 बेटियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय में इंडियन स्पोर्ट्स एरोबिक्स फिटनेस फेडरेशन में मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। मैं बेटियों के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रिम्पी जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया बेटियों को कुछ आगे बढ़ने का, करने का। साथ में हमारे दो बेटों ने भी जो जीते हैं उनको भी मैं बधाइयाँ देती हूँ। जो इनकी एसोसिएशन है महेंद्र सिंह जी, उनके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ और इस एसोसिएशन के भी निरंतर एक समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उन बेटियों को बुला के यहाँ के महापौर विनोद अग्रवाल जी ने उनका सम्मान किया। ओमसंस हॉलीडे एजेंसी से मेरे ताऊ जी महेश अग्रवाल जी ने उनका सम्मानित किया है। बेटियों को नकद राशि दी गई है और ये एक संदेश है समाज में कि बेटियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। एक छोटे छोटे चीज़ों से हम बेटियों का उत्साह वर्धन करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जहाँ बेटियाँ अपना नाम रोशन करें। मैं पूरी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ और भविष्य में इनके बच्चे और भी आगे जाके अपने मुरादाबाद का, भारत का नाम रोशन करें, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे?
ये हमारे मुरादाबाद शहर के लिए, महानगर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय एरोबिक्स के अंदर मुरादाबाद के 8 बच्चों ने स्वर्ण पदक और सिल्वर और कांस्य पदक विजेता हुए कि जो पूरे भारतवर्ष में 29 राज्यों से प्रतियोगिता बनारस में संपन्न हुई, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न महानगरों से बच्चों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया, परंतु मुरादाबाद के स्टूडेंट्स ने पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे महाराष्ट्र और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा। और उत्तर प्रदेश में भी मुरादाबाद के 9 पार्टिसिपेंट्स ने इसके अंदर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, जिसके लिए हमने आज इन सब बच्चों को बुलाकर इनका हमने सम्मान किया है और उनका उत्साह वर्धन करने के लिए आज उनको हमने यहाँ पर सम्मानित किया।